भाई गाइस, अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा है कि कोई लेवल नहीं है। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे गर्मी चल रहा है। और मुझे पता है कि गर्मी में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी तो हो रहा होगा। सही कह रहे हो सर आप। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को गर्मी पर भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फ्री के रिवॉर्ड्स हम दिखाने वाले हैं जो कि समर स्पेशल अपने गेम के अंदर आने वाला है। कह सकते हो समर इवेंट के रूप में दिया जाएगा उसको, और आप लोग उसको फ्री में क्लेम कर सकते हो समर स्पेशल फ्री रिवॉर्ड्स। अब वो क्या कुछ मिलने वाले हैं, इवेंट कब तक आएगा, सब कुछ जानने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, आप लोग तो जानते हो कि अपने गेम के अंदर जॉम्बी समुराई बंडल बैक आने वाला है। हाँ। लेकिन क्या ये जानते हो कैसा इवेंट रहेगा जॉम्बी समुराई का, कितना डायमंड लगने वाले है, उसका डेट क्या रहेगा? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मतलब नहीं पता है, खैर आज मैं वो भी बता दूंगा। और तो और गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे भाई लोग हो जो कि चाहते हो कि गेम के अंदर जर्सी फिर से बैक आ जाए, कुछ न्यू जर्सी आए एंड कुछ ओल्ड जर्सी को गेम के अंदर बैक दिया जाए। इसलिए आज मैं जर्सी के ऊपर भी अपडेट देने वाला हूँ। वैसे हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, टू नाइट अपडेट भी आज हम कवर करने वाले हैं। कल सुबह आप लोग को एक न्यू टॉप अप इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे अपडेट्स आज के इस वीडियो के अंदर शामिल है। शुरुआत हम करते हैं अपने टू नाइट अपडेट से। बेसिकली कल आप लोग को अपने गेम के अंदर एक न्यू इवेंट देखने को मिलने वाले है जो की है अपना एक न्यू टॉप अप इवेंट। बाकी क्या कुछ आइटम्स आप लोग को मिलने वाले है उसका रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस। अगर आप लोग 100 डायमंड टॉप करते हो फिर आप लोग को मिलने वाले है एक पेन का स्किन, जो की देखने में कुछ ऐसा है जो की आप लोग को लेजेंडरी तो नहीं मिलने वाले है, नॉर्मल से पेन का स्किन दे दिया जाएगा। और 200 डायमंड टॉप करने पर आप लोग को ये वाला बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन देखा जाएगा इस बैकपैक के स्किन के अंदर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे, थोड़ा सा फायरिंग इफेक्ट इसके अंदर दिया गया है और ये देखने पर बढ़िया लग रहा है। लेकिन गाइस यहां पर आप लोगों को दिया गया है 300 डायमंड टॉप करने पर, लेकिन जो हमको बैनर देखने को मिला है अपना टॉप इवेंट का उसमें दिया गया है 200 डायमंड टॉप करने पर। सो यही कन्फर्म है कि आप लोगों को 200 डायमंड टॉप करने पर ये वाला बैकपैक मिलेगा और 100 डायमंड टॉप करने पर पेन का स्किन देखने को मिलने वाले हैं। बाकी रिवॉर्ड्स वगैरह आप लोगों को कैसा कुछ लगा है नेक्स्ट टॉप इवेंट का आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अभी फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो जॉम्बी समुराई बंडल अपने गेम के अंदर बैक आने वाले हैं उसको पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को इस न्यूज के ऊपर तो बहुत सारे पहले अपडेट मिल गया था कि जॉम्बी समुराई बंडल को अपने गेम के अंदर बैक दिया जाएगा। पहले आपको ये कंफर्म कर दूं ये कब तक आने वाले हैं। बेसिकली जॉम्बी समुराई बंडल को जो हमको लीक्स मिला है कि ये बैक आएगा, तो ये मिला है अपने स्टेट वार इवेंट के ऊपर। जब स्टेट वार इवेंट के ऊपर प्रे एक्सेस किया जा रहा था तो उस टाइम पे जॉम्बी समुराई बंडल के ऊपर भी लीक्स मिल गया कि उसको भी गेम के फाइल में ऐड किया गया है ताकि वो भी अपने गेम के अंदर बैक लाया जाएगा। और जॉम्बी समुराई बंडल ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर आपको बैक देखने को मिलने वाले हैं। चांसेस यही है कि इसी जून मंथ पे इसको बैक करा दिया जाएगा। बात करें ऐसा क्यों कि भाई जून पे ही आ सकता है, तो भाई जो स्टेट वार इवेंट अपने गेम के अंदर चल रहा है जिसके स्पेशल लीक मिला है कि जॉम्बी समुराई बैक आएगा, वो स्टेट वार इवेंट 29 जून तक अपने गेम के अंदर रहेगा। फिर 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में उसके फ्री के रिवॉर्ड्स आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी स्टेट विनिंग होगा उनको फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए जून मंथ पे ही आप लोग को जॉम्बी समुराई बंडल अपने गेम के अंदर बैक दे दिया जाएगा। इवेंट का रिव्यू आप लोग यहां पर देख सकते हो। आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है 1 ट्राई और दूसरा है 10 ट्राइज। अगर आप लोग गाइस एक बार 1 ट्राई करते हो फिर आप लोग को देना पड़ेगा 14 डायमंड, और अगर आप लोग 10 बार यहां पर स्पिन करना चाहते हो फिर आप लोग को देना पड़ेगा 122 डायमंड। शुरुआत के दो स्पिन आप लोगों को 50% तक ऑफ देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि उसके बाद आप लोग को 29 से 1 ट्राई होगा और 10 स्पिन करने के लिए आप लोग को 250 डायमंड पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है और ऑलमोस्ट 1500 से लेकर 2000 डायमंड आप लोग को खर्च करना पड़ेगा तब जाके आपको जॉम्बी समुराई बंडल जो है मिलने वाले है, क्योंकि इवेंट के अंदर कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है कितना डायमंड खर्च करना पड़ेगा। जब तक करने वाले नहीं देंगे तब तक आपको नहीं मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके साथ में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करेंगे अपने जर्सी के बारे में। आप में से बहुत सारे भाई लोगों जो कि चाहते हो कि यार गेम में जर्सी फिर से बैक आ जाए, कुछ ऐसे प्लेयर का मानना है कि ओल्ड जर्सी भी गेम के अंदर बैक आना चाहिए, और इसलिए गाइस आज मैं जर्सी के ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट कवर करने वाला हूं। आप लोग यहां पर गाइस देख सकते हो जर्सी वगैरह को बैक तो दिया गया है, लेकिन शायद भाई ये बैक नहीं है, कुछ न्यू जर्सी वगैरह अवेलेबल किया गया है एक रिंग इवेंट के जरिए। ओल्ड जर्सी जब मैंने अपडेट खोजा तो भाई ओल्ड जर्सी के ऊपर मुझे कुछ भी अपडेट देखने को नहीं मिला है, सिर्फ न्यू जर्सी को ही लाया गया है अलग अलग सर्वर में, और वो भी इसलिए क्योंकि अदर सर्वर के अंदर फ्री फायर गेम में जो इवेंट्स वगैरह चल रहे थे वो पहले ही आ चुका है। जो इवेंट्स आप लोग को अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं उनमें से कुछ इवेंट अदर सर्वर में पहले ही आ गया है, जिसलिए इस अदर सर्वर के अंदर फिलहाल के टाइम पे कुछ बड़े इवेंट आने से पहले गेम को बस मेंटेनेंस करके रखा जाए कि यार कुछ इवेंट्स आते रहेंगे, जिसलिए जर्सी को बैक दिया जा रहा है कुछ न्यू जर्सी के रूप में। जर्सी रॉयल को गेम के अंदर बैक लाया गया है। अब अपने इंडिया सर्वर के अंदर गाइस अगर जर्सी करने वाले बैक कराते भी है तो इस टाइम पे आपको बैक नहीं मिलने वाले है, क्योंकि बहुत से इवेंट्स पेंडिंग है गेम के अंदर आने वाला है, जैसे कि ब्लैक बनी बंडल के साथ में उसके तीनों अलग अलग बनी बंडल्स आएंगे, फिर आप लोग को एंजेलिक का इवेंट देखने को मिलने वाले है, उसके बाद ट्रैप रैप का इवेंट आएगा, देन आप लोग को एनिवर्सरी का इवेंट देखने को मिलने वाले है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे इवेंट्स है, इसलिए फिलहाल का टाइम पे जर्सी को बैक लाना थोड़ा सा मुश्किल बात है। करने वाले इस टाइम पे जर्सी को बैक नहीं लाएंगे, और अगर करने वाले चाहेंगे तो भाई ईद उल अजहा का भी आप लोग को एक स्पेशल इवेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आगे चके मेरे हाथ में कुछ और लीक्स मिलता है जर्सी के अकॉर्डिंग कि भाई जर्सी को इस टाइम पे अपने गेम के अंदर बैक दिया जाएगा, डेट वगैरह कन्फर्म होता है, देन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर कन्फर्मेशन जरूर दे दूंगा। फिलहाल आप लोग जो भी जर्सी के लिए वेट कर रहे हो इतना जान लो इस टाइम पे गेम के अंदर जर्सी को बैक नहीं दिया जाएगा।
आप लोग को ऑलमोस्ट एक से डेढ़ महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जर्सी अगर बैक आएगा तो आ सकता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समर स्पेशल कुछ फ्री रिवॉर्ड्स कंफर्म करूं, उसके पहले गाइस आपको यहां पर मैं एक बैनर दिखा रहा हूं जहां पर की कॉल बैक इवेंट स्पेशल कुछ मैजिक क्यू के फ्रेगमेंट्स को बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है कुछ सर्वर के अंदर। अब आपको मैं ऐसा बस बताना ये चाहता हूं, करने वाले बहुत जल्द अगर आपको अपने गेम के अंदर के इवेंट अवेलेबल करना चाहे कॉल बैक का तो करा सकते हैं, क्योंकि ट्रैप रैप का इवेंट आएगा जिसलिए आप लोग को ट्रैप रैप इवेंट स्पेशल एक कॉल बैक इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए मेरे पास लिरिक्स वगैरह आया था, मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए, क्योंकि कॉल बैक इवेंट को अगर कोई भी जेन्युइन तरीके से कंप्लीट करना चाहता है तो भाई उसके लिए बहुत सारे ओल्ड आईडी की जरूरत पड़ता है, जो आईडी 15-20 दिन से ऑफलाइन हो, तो उसके बाद ही उसमें कॉल बैक इवेंट कंप्लीट हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास आगे से इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप लोग आईडी को जमा करके रख पाओगे, बाकी अभी ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे का डेट वगैरह कन्फर्म होगा कॉल बैक का, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका डेट वगैरह कन्फर्म कर दूंगा, उसके बाद ही आप लोग आईडी को जमा कीजिएगा, फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करेंगे अपने समर स्पेशल कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। अब गाइस को आप लोग जानते हो करने वाले हमको अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्री के रिवॉर्ड्स और इवेंट्स गेम के अंदर अवेलेबल कराते हैं। फॉर एग्जांपल जब विंटर आता है ठंडी का समय तो उसका अलग इवेंट आता है, और जब हमको गर्मी का समय देखने को मिलता है उसका भी अलग इवेंट आता था। आता था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गर्मी स्पेशल हमको जो फ्री के रिवॉर्ड्स हमको मिलते थे समर स्पेशल, वो पहले के टाइम पे मिला करता था। फिलहाल गर्मी जाने वाला है लेकिन अब तक करने वालों ने कुछ ऐसा इवेंट अपने गेम में अवेलेबल नहीं कराया है, इसलिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, समर स्पेशल क्या कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं इसको बार इस बार के लिए कुछ भी कंफर्मेशन लीक्स नहीं मिला है। मगर हाँ आप लोगों को एक चीज बता सकता हूँ, ईद स्पेशल यानी कि जो 29 तारीख को अपना ईद उल अजहा आने वाले है, उस ईद उल अजहा स्पेशल कुछ फ्री का रिवॉर्ड्स और उसके कैलेंडर भी निकल कर आ गया है, जहां पर दो बंडल फ्री में दिया गया है। जैसे कि आप लोग दोनों बंडल को यहां पर देख सकते हो, एक जीप का स्किन दिया गया है और एक पैरासूट का स्किन दिया गया है। ये सारा रिवॉर्ड है जो कि आप लोग को मिशन कंप्लीट करने पर बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी रिवॉर्ड्स है जो कि ईद स्पेशल आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले, यानी कि ईद उल अजहा स्पेशल। और ये इवेंट फिलहाल के लिए बांग्लादेश सर्वर के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जैसे कि आपको मैंने परसों वाले वीडियो के अंदर कहा था कि बांग्लादेश सर्वर के अंदर ईद उल अजहा का स्पेशल इवेंट आएगा ही आएगा। लेकिन गाइस ईद स्पेशल ये इवेंट अपने इंडिया सर्वर के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा ये अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल 100% कंफर्म है कि भाई आएगा ही आएगा, उसका फ्री रिवॉर्ड्स भी पता चल गया है जो कि कुछ टाइम पहले आपको दिखाया हूं। और अगर देखा जाए तो भाई रमादान स्पेशल अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी हमको बिल्कुल फ्री में रिवॉर्ड्स देखने को मिला था, जिसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ईद स्पेशल कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स अपने गेम के अंदर ऐड करा दिया जाए, जो कि 29 जून से पहले ही आप लोग फ्री में क्लेम कर पाओगे। उसके ऊपर गाइस एक ये भी लिखे आप लोग यहां पर देख सकते हो, 20 जून से लेकर 24 जून के बीच में आप लोग को एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ फेस पेंट बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले है। इसका डेट है 20 जून से लेकर 24 जून के बीच में आप लोग एक फेस पेंट बिल्कुल फ्री में क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप लोग यहां पर एक बैनर देख सकते हो जहां पर एक मेल बंडल बिल्कुल फ्री में दिया गया है, साथ में कुछ वाउचर भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर ऐसा है जहां पर इस वाले बंडल को फ्री में दिया जा रहा है, जिसलिए ये भी हो सकता है कि आप लोग को इस वाले बंडल को भी बिल्कुल फ्री में दे दिया जाए आने वाले कुछ टाइम पे, यानी कि 3-4 दिन के अंदर। लेकिन हाँ ये का सबसे बड़ी बात होगा गाइस कि अगर आप लोग को ईद उल अजहा स्पेशल कुछ न्यू इवेंट्स अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाए तो भाई उसके अकॉर्डिंग आप लोग को दो दो बंडल्स साथ में एक व्हीकल का स्किन, पैराशूट स्किन, कुछ और भी रिवॉर्ड्स आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार समर इवेंट गाइस आने का चांसेस तो भाई बहुत ही कम है, क्योंकि अगर गर्मी खत्म होने वाला है, अब तक इसके ऊपर कुछ लीक्स नहीं मिला है, पता नहीं करने वाले कर क्या रहे यार, अभी समर जाने वाला है लेकिन अब तक कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स नहीं दिए है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, अगर कुछ और लीक्स मेरे हाथ में आता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी जरूर शेयर कर दूंगा। लेकिन एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं, अपने जून महीने पे अगर एंजेलिक का इवेंट आता है तो एंजेलिक की थीम पे कुछ फ्री रिवॉर्ड्स आपको दिया जाएगा, और अगर बनी इवेंट आता है तो भाई बनी के स्पेशल आपको एक बंडल बिल्कुल फ्री में दे दिया जा सकता है। ये पूरा कंफर्म नहीं है, अगर फ्री में मिलता है तो कुछ दिन के लिए आपको बनी बंडल फ्री में मिल सकता है। अब देखते हैं करने वाले क्या कुछ करते हैं। बाकी गाइस मेरा वीडियो आज का यहीं तक, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।